So my last video on this channel was about 90s actresses, Bollywood actresses, who are making a comeback in web series. And today we are going to talk about the male version of that video. Hi, hello, namaste. My name is RJ Manjula and welcome to my YouTube channel, where today we are going to talk about 90s Bollywood actors who are making a comeback in web series. But before that, if you love 90s music, if you love 90s life, then please make sure you listen to my 90s show. It's called 90s Ki Kasit with Manjula. Gaana Music app par ye show aata hai. Aur iska season 3 humne bas kuch hi din pehle launch kiya hai. And if you've not heard that show, then the link will be there in the description box below. So 90s actors comeback mein number 1 par hai Bobby Deol. Yes, Lord Bobby Deol, जिन्होंने ना 90s के बाद उनका काफ़ी बुरा वक्त चल रहा था. मतलब उनकी फिल्में नहीं चल रही थी, उनको फिल्में मिल नहीं रही थी, फ्लॉप हो रही थी. एंड ही ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द फैक्ट दैट ही वॉज इन डिप्रेशन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. लेकिन एक वेब सीरीज जिसकी वजह से जिसने उनकी लाइफ बदल दी, वो थी आश्रम. सो आश्रम में ना बॉबी देओल ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छी एक्टिंग की है. दिस वेब सीरीज गेव हिम अ न्यू लाइफ, उनके करियर को ना एक अलग ही पुश दे दिया. और आज तो मतलब ही इज डन अ फिल्म लाइक एनिमल, जिसमें रणबीर कपूर से भी ज़्यादा उनकी तारीफ हो रही है, बॉबी देओल की एक्टिंग की तारीफ हो रही है. एंड ऑफकोर्स आश्रम वॉज द रीज़न, दैट वेब सीरीज वॉज द रीज़न जिसकी वजह से बॉबी देओल के असली पोटेंशियल को लोगों ने रियलाइज किया. उसे जो एक खरोंच भी आई ना, तो जिंदा ना छोड़ने वाला मैं तुम लोगों को. देन वी हैव संजय कपूर. सो संजय कपूर ना 90s में उन्होंने हमें थोड़ी बहुत बड़ा करियर नहीं था उनका. मतलब कुछ एक दो हिट फिल्में आई थी उनकी, लेकिन बाकी उनकी फिल्म्स चली नहीं. एंड वेब सीरीज में भी ना उनका कुछ ऐसा ही हाल है. मतलब दो ही इज डूइंग अ लॉट ऑफ वेब सीरीज, पर उनकी शुरुआत हुई थी द फेम गेम से, जिसमें माधुरी दीक्षित के साथ थे वो. और ये वही जोड़ी है जिन्होंने हमें 90s में राजा जैसी सुपरहिट फिल्म दी थी. लेकिन इन वेब सीरीज में उनका रोल गेस्ट अपेयरेंस टाइप रहता है, बहुत बड़ा रोल नहीं है. लेकिन द फेम गेम में उनकी एक्टिंग काफ़ी अच्छी है. द फेम गेम वॉज वन वेब सीरीज जिसमें आप संजय कपूर को अच्छे से दोबारा एक्टिंग करते हुए देख सकते हैं. लोगों के लिए मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट है सुपरस्टार अनामिका आनंद का हस्बैंड होना, और शायद यही मेरी पहचान है. नेक्स्ट वी हैव फरदीन खान. तो फरदीन खान ने ना 90s में प्रेम अगन जैसी फिल्म दी थी, जिसके बहुत मीम्स बनते हैं. लेकिन उसके बाद 2000 में उन्होंने एक दो हिट फिल्में दी, लेकिन उनका करियर कहीं ख़त्म हो गया था. मतलब वो बिल्कुल ही गायब हो गए थे स्क्रीन से. बट थैंकफुली विद हीरा मंडी ही इज़ मेड अ कमबैक, एंड व्हाट अ कमबैक. उनकी एक्टिंग काफ़ी अच्छी है इस वेब सीरीज में, एंड स्पेशली वर्किंग विद संजय लीला भंसाली, ही गेट्स द बेस्ट आउट ऑफ यू. और यही उन्होंने हमारे एक्टर फरदीन खान के साथ भी किया है. दुनिया जहां की दौलत हमारे कदमों तले है, लेकिन वली की चाह एक तवायफ की मोहब्बत है. 90s एक्टर्स कमबैक में नेक्स्ट जो है मेरी लिस्ट में, वो है सैफ अली खान. सैफ अली खान अगेन 90s में काफी अच्छा करियर था उनका. 2000 के बाद भी उन्होंने बहुत अच्छी फिल्में हमें दी, लेकिन एक वक्त उनका भी रिसेंटली कुछ ऐसा आया दैट ऑल हिज फिल्म्स वर नॉट डूइंग वेल. वैसे भी वो बहुत कम फिल्में करते हैं, मगर वो भी चल नहीं रही थी. एक वेब सीरीज ने अगेन उनके करियर को पुश दे दिया, एंड दैट वाज द सीक्रेट गेम्स. और सीक्रेट गेम्स मतलब इतनी ज़्यादा हिट हुई थी, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड अबाउट वेब सीरीज. इज बेस्ड ऑन अ बुक, लेकिन इसमें उनका कैरेक्टर बहुत अच्छा है. उनके साथ नवाजुद्दीन सिद्दीकी है, दोनों का जो एक दूसरे के ऑपोजिट जो वो मिलन है, वो भी बहुत अच्छा है. एंड ऑफ कोर्स सैफ अली खान इज अ ग्रेट एक्टर यार. और इस वेब सीरीज से ही उन्हें एक नया पुश मिला अपने करियर में. दरवाजा खोल वरना 2 मिनट में गेम खत्म. नेक्स्ट इन माय लिस्ट इज चंद्रचूड़ सिंह, जिन्होंने 90s में माचिस जैसी फिल्म हमें दी यार. बहुत अच्छा काम किया था उन्होंने इस फिल्म में. और तेरे मेरे सपने भी आई थी उनकी, पर उसके बाद अगेन 2000 ऑनवर्ड्स उनका करियर थोड़ा सा डामाडोल ही चला. लेकिन देन ही मेड अ कमबैक. आई मीन ही इज़ ऑफकोर्स स्टिल डूइंग अ लॉट ऑफ फिल्म्स, लेकिन उनकी वेब सीरीज भी एक के बाद एक आती जा रही हैं. आर्या में स्पेशली उनका काफ़ी नोटिसेबल रोल था, ही वॉज ऑपोजिट सुष्मिता सेन, और सुष्मिता सेन के हस्बैंड का रोल उन्होंने इसमें प्ले किया है. और इसमें उनका कैरेक्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है. हम लोग हीरोइन में डील नहीं करते, हम इलीगल दवाइयों का धंधा करते हैं. 90s एक्टर्स कमबैक की लिस्ट में
अगले जो मेरे हैं ना वो है मनोज वाजपेयी। मनोज वाजपेयी साहब ना मतलब 90s में शूल और सत्या जैसी फिल्में उन्होंने हमें दी और उसके बाद बहुत सारी फिल्में और भी दी, बट एज ही ऑल्सो मेंशनड इन वन ऑफ द इंटरव्यू दैट एक करियर कहीं जा नहीं रहा था, बीच में एक ऐसी स्टेज आई थी। तो द फैमिली मैन उनकी जो वेब सीरीज है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड अबाउट वेब सीरीज, मतलब इंडियन वेब सीरीज में अगर आप कहीं पर भी टाइप करेंगे ना कि टॉप 10 वेब सीरीज इन इंडिया या यू नो किसी भी जगह किसी भी सर्च पे आपको द फैमिली मैन का अगर उस लिस्ट में नाम ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब इतनी हिट ये सीरीज है। ऑफ कोर्स मनोज वाजपेयी हैज डन एन एक्सेप्शनल जॉब यू नो इन दिस वेब सीरीज। डॉक्टर साहब मैं जितना चॉकलेट खाता हूँ मेरे बच्चे भी उतना नहीं खाते हैं। नेक्स्ट 90s एक्टर हुज मेड अ कमबैक इन वेब सीरीज इज वेंकटेश दगुपति। सो वेंकटेश दगुपति जो 90s में उन्होंने हमारे बॉलीवुड में भी कदम रखा था, मतलब करिश्मा कपूर के साथ उनकी फिल्म आई थी अनाड़ी, देन तकदीर वाला ही डिड विद रवीना टंडन, और वेब सीरीज में वो वापस आए और राणा नायडू ये वेब सीरीज है जिसमें राणा दगुपति हैं जो कि उनके भतीजे हैं वेंकटेश दगुपति के, और इसमें उन्होंने फादर सन का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग यू नो रोल प्ले किया है। कैरेक्टर दोनों का बहुत अच्छा है एंड स्पेशली वेंकटेश दगुपति इज एक्चुअली किलिंग यू नो इन दिस वेब सीरीज। बहुत अच्छी उन्होंने एक्टिंग की है। और मैं आपको बता दूं कि 90s के ऐसे बहुत सारे साउथ के एक्टर्स हैं, तमिलियन, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, जिन्होंने बॉलीवुड मूवीज में कदम रखा था 90s में। और वो कौन कौन थे और कैसा कैसा रहा उनका करियर, इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है ऑन माय चैनल जिसका नाम है 90s साउथ इंडियन स्टार्स इन बॉलीवुड मूवीज। सो प्लीज मेक श्योर यू वॉच दैट वीडियो। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन पर भी। इधर वापस सब ठीक करने को मैं आया क्योंकि मेरे लिए फैमिली सब कुछ है। नेक्स्ट 90s एक्टर हुज मेड अ कमबैक इन वेब सीरीज इज आशुतोष राणा। सो आशुतोष राणा ने 90s में दुश्मन जैसा नेगेटिव कैरेक्टर प्ले किया, संघर्ष जैसा नेगेटिव कैरेक्टर प्ले किया जिनसे आज भी बहुत डर लगता है। और उन्होंने ना उसके बाद भी फिल्में तो वो अभी तक करते जा रहे हैं, सपोर्टिंग एक्टर की कैटेगरी में करते हैं, लेकिन वेब सीरीज में भी उन्होंने कुछ बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर प्ले किए हैं। जैसे रवीना टंडन की जो वेब सीरीज है अरण्यक, उसमें बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है उनका। वो रवीना टंडन के फादर इन लॉ का रोल प्ले कर रहे हैं जो कि पुलिस में भी हैं, और वो किस तरह से यू नो रियल कल्प्रिट का पता करने में कामयाब हो जाते हैं यू नो उस वेब सीरीज में। उनका कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। देन वी हैव मर्डर इन माहिम जिसमें अगेन ही इज प्लेइंग अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। कल चंद्र ग्रहण की रात थी, मरते ना कौन पिएगा। नेक्स्ट इन माय लिस्ट इज जावेद जाफरी। जावेद जाफरी साहब जिन्होंने हमें बूगी वूगी जैसा शो दिया था 90s में, उन्होंने हमें बहुत सारी फिल्म्स भी दी थी जो फिल्म्स वो आज भी करते आ रहे हैं, बट वेब सीरीज भी उन्होंने काफ़ी इंटरेस्टिंग की हैं, जैसे कि नेवर किस योर बेस्ट फ्रेंड, देन एस्केप जो उनकी लेटेस्ट वेब सीरीज आई है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग उनकी होने वाली है एक वेब सीरीज है लावा धावा, जिसमें क्या है ना कि इट इज़ बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ तकीशीज कासल। अगर आपको याद हो कि यू नो तकीशीज कासल में उनकी कमेंट्री से अलग ही रंग आ जाता था, मतलब इट वाज अ गेम शो जिसके कमेंटेटर थे यू नो जावेद जाफरी साहब। तो अभी जो उनकी वेब सीरीज आ रही है उसका नाम भी है लावा धावा, इट्स अ गेम शो, और अगेन इसमें भी कमेंट्री कर रहे हैं हमारे जावेद जाफरी साहब। टुडे वी विल गिव आवर यूजर्स द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी इंडिया हैज एवर विटनेस्ड। एंड लास्ट 90s एक्टर हुज मेड अ कमबैक इन वेब सीरीज इज विवेक मुश्रान। इलू इलू बॉय नाम से इन्हें हम 90s में जानते थे। 90s में सौदागर फिल्म से ये लॉन्च हुए थे और उसके बाद अगेन बहुत सारे सीरियल्स उन्होंने बीच बीच में किए हैं इंडियन टीवी शोज, पर वेब सीरीज में भी वो वापस आए हैं, जैसे माई जो वेब सीरीज है यू नो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग साक्षी तन्वर की, उसमें विवेक मुश्रान का काफ़ी इंटरेस्टिंग रोल है। इनफैक्ट यू नो ऐसे एक्टर्स जिनको अब हम भूल गए हैं बट वो एक्टर्स बहुत अच्छे थे, उस लिस्ट में उनका नाम है। एंड इनफैक्ट 90s बॉलीवुड फॉरगॉटन एक्टर्स या फॉरगॉटन स्टार्स पर भी आपको एक वीडियो मिलेगा ऑन माय चैनल जिसमें मैंने 90s के उन सारे एक्टर्स की बात की है जिनको हम भूल गए हैं। सो अगेन इस वीडियो का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन पर भी।
So this was my list of 90s actors who've made a comeback in web series now. And again, अगर आपके mind में कोई है जो मेरी इस list में नहीं है और होना चाहिए, then please make sure you add it in the comment section below. And also make sure you share this video with all the 90s friends you have. And also please subscribe to my channel and press the notification bell ताकि आपको मेरे videos की notification हमेशा मिलती रहे. And मैं आपसे बहुत जल्द मिलूंगी एक नए video के साथ. तब तक के लिए please keep smiling.